एक आहार होता है जो चौके में बनता है और थाली में परोस के हमारे सामने रखा जाता है, एक वो आहार होता है, उसे आहार कह दीजिए, भोजन कह दीजिए, प्रसाद कह दीजिए, जो चाहे सो कहिए। वो केवल दो तीन बार ही लिया जाता है दिन में, दोपहर को लिया जाता है या रात को लिया जाता है, बीच में तो नाश्ता जलपान बाल भोग ही होता है। एक आहार वो है जो 24 घंटे हमारे शरीर की इंद्रियां लेती हैं। ये थाली का आहार हमारा सत्यानाश नहीं करता। हम लोग प्याज और लहसुन पर ही अटक गए, कोई कहते हम प्याज नहीं खाते। अरे प्याज तो नहीं खाते, रिश्वत तो खा लेते हो, हैं? मिलावट तो खा लेते हो, झूठ तो खा लेते रहे हो, चतुराई तो चालाकी तो खा लेते हो। और प्याज लहसुन न खाने वालों से कोई बहुत भजन हो जाता होगा ऐसा भी मैं मानता नहीं, ये अपने अपने शौक होते। किसी को घी अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी को तोरई अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। तो हमने हिंदू समाज को केवल प्याज और लहसुन पर ही अटका दिया कि हमारे घर में प्याज नहीं आती। अरे प्याज तो नहीं आती, मदरा की बोतल तो आती है। तो इन बातों में मत उलझिए। जो आहार हमारे जीवन का सत्यानाश कर रहा है, आंखें भी आहार करती हैं, कान भी आहार करते हैं, नाक भी आहार करती है, शरीर का रोया रोया आहार करता है। थाली में तो लौकी तोरई की सब्जी और मिस्सी रोटी और गाय के दूध का दही और बड़ा सादा भोजन लिया, लेकिन रात्रि को टीवी में मोबाइल में आंखों ने ऐसा आहार कर लिया, ऐसे दृश्य चले गए जो रात भर सोने नहीं देते, रात भर बेचैन करते हैं, आपकी नींद उड़ा देते हैं, दुनिया भर के विकारों से मन को भर देते हैं, वो आहार बिगाड़ता है। थाली का तो बहुत सादा भोजन था, लेकिन शादियों में हम गए, लोग इतना उत्तेजक परफ्यूम छिड़क कर आए और उसे जब सूंघ कर आए वहाँ से, तो घर में भी आकर उत्तेजना में डूब गए, पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। तो आँखों के द्वारा, नाक के द्वारा, कानों के द्वारा जो हम सुनते हैं 24 घंटे बेकार की बातें, वो हमारे भीतर के संस्थान को बिगाड़ता है। ये थाली का भोजन ज्यादा नहीं बिगाड़ता, ये थोड़ा पेट बिगाड़ देता है और ज्यादा नहीं बिगाड़ता, ये थोड़ा पेट बिगाड़ता।